झटपट दुकान। डॉलर के मुकाबले रुपए स्थिर होने के कारण मसूर का आयात बढ़ने लगा है। कमजोर डॉलर देख आयात को द्वारा कम दामों में बिकवाली की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कनाडा की मसूर दाम मुंद्रा और हाजिरा बंदरगाह पर घटाकर बोले जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की मसूर के दाम भी काफी टूट गए हैं। कनाडा की मसूर सितंबर अक्टूबर शिपमेंट के लिए मुंद्रा बंदरगाह पर वेसल में $737 प्रति टन CNF बोले गए। इन दामों पर भारतीय रुपए में 6025 रुपए प्रति क्विंटल के करीब बैठेगी। वही सितंबर अक्टूबर शिपमेंट के लिए मुंद्रा बंदरगाह पर कंटेनर में $800 प्रति टन CNF बोले गए, जो भारतीय रुपए में 6525 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। इस वजह से स्थानीय बाजार में भी मसूर में लेवाली कमजोर रहने से कीमतों में मंदी का वातावरण बना हुआ है। साथ ही बता दें, मसूर 100 रुपए टूट कर 6750 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। इसके समर्थन में मसूर दाल में भी 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर तुअर में नीचे दामों पर लेवाली अच्छी रहने और आवक कमजोर होने के कारण भाव में तेजी रही है। महाराष्ट्र की सफेद तुअर बता दें कि 100 रुपए बढ़कर 7600 से 7700, कर्नाटक की 7700 से 7900, वही निमाड़ी 6600 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। मूंग में भी लेवाली अच्छी रहने और आवक कमजोर रहने से मूंग के भाव में 50 रुपए का सुधार देखने को मिला। मूंग बढ़कर 6500 से 6650, एवरेज में 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई। चना उड़द में कामकाज सामान्य रहा, भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।